हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका क्विक रिकॉलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक्स बाय माइंड मैप के दूसरे सीरीज में और इस सीरीज में हम बात करेंगे डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल तो आज का हमारा टॉपिक होगा डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे प्रूव हुआ ठीक है तो अभी देखते हैं डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूव करने में सालों लग गए ये प्रूव करने में कुछ 3 4 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थे वो था मेंडल का एक्सपेरिमेंट ग्रेफिथ का एक्सपेरिमेंट एवरी मैकलॉय मैकॉरिटी हार्शे चेस एंड व्हाट्स एंड एनक्री का डी एन स्ट्रक्चर ठीक है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के टाइम कुछ ऐसा मतलब क्रिएट हुआ था लाइक ऐसा पता चल गया था कि हाँ कुछ फैक्टर है कुछ फैक्टर है जो जेनेटिक ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाता है पर वो क्लियर नहीं था कि वो फैक्टर है क्या डीएनए है प्रोटीन है या फिर है आर एन एम ठीक है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट और एवरी मैकलॉयड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट उसके बाद हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट ये तीनों एक्सपेरिमेंट बहुत बड़े माइलस्टोन साबित हुए ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो हमारे ट्रेड्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ लेके जाता है ठीक है तो हम एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे पहला है ग्रिफिथ का डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पे हुआ था अब इन्होंने क्या किया था ग्रिफिथ ने दो स्ट्रेन लिए थे टाइप टाइप स्मूथ और रफ ठीक है लिएकस न्यूमोनिया के ये दोनों स्ट्रेन स्मूथ स्मूथ और रफ वाला जो था वो था था पैथोजेनिक और रफ वाला जो था वो नॉन वैंड था नॉन पैथोजेनिक था तो ग्रिफिथ ने क्या किया एक, -एक करके स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन दोनों में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के स्ट्रेन माइस में इंजेक्ट किए ठीक है अब जब स्मूथ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ कि जो आ, ये चूहा था पीछे दिख रहा है तो क्या हुआ कि जो जब स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया तो ये जो चूहा था वो मर गया है ना तो इसे क्या प्रूफ हुआ कि स्मूथ स्ट्रेन जो है वन है पैथोजेनिक है ठीक है जब रफ स्ट्रेन है जो रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया माउस में तो माउस जिंदा रहा क्योंकि प्रूव करता है कि ये नॉन वर्लेंट है नॉन पैजिक है और माइस जिंदा रह जा रहे ठीक है तो अब उन्होंने अपने तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि वो जो स्मूथ वाला स्ट्रेन था सबसे पहला वाला तो उसको लेके उसको हीट किल किया है ना हीट किल इसलिए किया क्योंकि उसके सेल्स किल हो जाएंगे अगर सेल्स किल हो जाएगा तो वो आगे माइस माइस की बॉडी में ग्रोथ नहीं कर पाएगा ग्रोथ नहीं करेगा तो जो उसका वर्लन well, एक्शन है जो पैथोजेनिक एक्शन है वो नहीं होगा और माउस जिंदा रहेंगे तो एग्जैक्टली exactly हुआ भी यही कि हीट किल करने के बाद वो स्मूथ स्ट्रेन जो है स्मूथ स्ट्रेन था उसने कोई पैथोजेनिक एक्शन क्रिएट नहीं किया और जो माउस था हमारा वो सही सलामत और जिंदा मिल गया ठीक है अब जो दूसरा था जो अब इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई किया उन्हों, उन्होंने उसमें क्या किया जब रफ स्ट्रेन वाला था उसको लाइव लिया उसको लाइव उस बैक्टीरिया को लाइव लिया और वापस से ये स्मूथ स्ट्रेन वाले को किल करके लिया है ना हीट किल करके लिया और दोनों का मिक्सचर बना के उसको एक माउस में इंजेक्ट कर दिया तो ठीक है अब देख सकते हैं कि रफ स्ट्रेन और हीट किल स्ट्रेन को माउस में इंजेक्ट किया कर दिया अब इसका इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इसके रिजल्ट से चूहा मर गया है ना वो क्यों मरा क्योंकि अब जब जैसे हीट किल्ड है ठीक है हीट किल्ड है तो सेल ग्रोथ नहीं होगी कोई कोई बात नहीं बट वहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है स्टिल प्रेजेंट है और उसको होस्ट सेल कौन सा मिल रहा है रफ स्ट्रेन रफ स्ट्रेन उसको मिल रहा है एज अ होस्ट सेल और उसने ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर दी तो इस तरह से जो रफ स्ट्रेन थे वो स्मूथ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गए कन्वर्ट हो गए ठीक है अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत कंक्लूसिव नहीं था कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कंक्लूजन नहीं दे रहा था कि हाँ डीएनए ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमें इसमें कुछ नहीं पता चल रहा था कि वो मटेरियल कौन है डीएनए है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आरएनए है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट क्या है हमें कुछ नहीं पता चल रहा था ठीक है लेकिन हमें इतना पता चल रहा था कि कोई तो वो मटीरियल है कोई तो वो मटीरियल है जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ठीक है तो ये यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट का रिसर्च गैप हुआ ठीक है अब इस रिसर्च गैप को फिल किया एवरी मैक्लॉयड एंड मैक के एक्सपेरिमेंट में ठीक है इन तीनों ने क्या किया इन तीनों ने हीट ही बैक्टीरिया को लिया हीट किल्ड एसट्रेन बैक्टीरिया को लिया ठीक है और उस बैक्टीरिया में इनके तीन सस्पेक्ट थे जो कि रिस्पॉन्सिबल ये समझ रहे थे कि वो ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं तो इनने सोचा कि डीएनए हो सकता है आरएनए हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है ठीक है तो जब डीएनए आरएनए और प्रोटीन हो सकता है तो इनने हाइपोथेसिस ली कि उसके एब्सेंस में जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एब्सेंस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो इनने सोचा कि अब इसको हटाना कैसे है तो डीएनए को हटाने के लिए डीएनए लिया आर को हटाने के लिए आर को हटाने के लिए आर एन और प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए प्रोटीन लिया तो इन्होंने ही किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ पहले प्रोटीनेज लिया एक बार प्रोटीन से डिग्रेड कराया प्रोटीनेज से डिग्रेड कराया प्रोटीज़ से फिर दूसरी बार आर से डिग्रेड कराया ठीक है और तीसरी बार उसको डिग्रेड कराया डीएनए से ठीक है तो अब इस डाइजेशन के बाद कि जब प्रोटीन एक में प्रोटीन डिग्रेड हो चुका है एक में आर डिग्रेड हो चुका है एक में डीएनए डिग्रेड हो चुका है अब इनने क्या किया इन डिग्रेडेड जेन जेनेटिक मटीरियल को इन डिग्रेडेड मटीरियल्स को ऐड कर दिया रफ स्ट्रेन के फ्लास्क में ठीक है रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स कर दिया ठीक अब इस इन रफ स्ट्रेन को क्या किया इन रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में ठीक है अब जब इन रफ स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया रफ और स्मूथ के मिक्सचर को तो क्या हुआ प्रोटीन केस में क्योंकि डीएनए तो अभी भी प्रेजेंट है डीएनए अभी भी प्रेजेंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन करेगा ही करेगा ठीक है प्रोटीन ही तो नहीं है डीएनए तो है ही है तो डीएनए है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो रफ वाले स्मूथ में कन्वर्ट हुए और स्मूथ में कन्वर्ट होंगे तो वो एक ही काम करेगा छुआ मर गया ठीक है दोबारा यही हुआ RNA's के केस में भी यही हुआ है ना आर एन एस केस में भी यही हुआ जब आ, अभी RNA वाले में भी डिग्रेड हो गया बट क्या है DNA अभी भी प्रेजेंट है अगर डीएनए वहां पर प्रेजेंट है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो रिस्पॉन्सिबल है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी करेगा ठीक है तो अब वो रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वापस से चूहा मरेगा ठीक है चूहा मरी गया जो कि वापस से शो कर रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ठीक है तीसरा जो था तीसरे में जिसमें इंजेक्ट किया, किया, उस, उस किया गया तो, तो चूहा नहीं मरा ठीक है अब चूहा नहीं मरा इसका मतलब था कि जो रफ वाले स्ट्रेन थे वो स्मूथ वाले स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुए है ना तो जब नहीं कन्वर्ट हुए तो नॉन पैथोजेनिक है नॉन वायलेंट है तो चूहा नहीं मरेगा और चूहा नहीं मरा चूहा नहीं मरा तो इसका मतलब कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था वो था हमारा डीएनए है ना अब डीएनए एब्सेंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ नहीं हुआ तो चूहा नहीं, तो नहीं मरा ठीक है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो सबसे बड़ा कॉन्क्लूजन इसकी हाइपोथेसिस थी वो भी सही थी और जो कॉन्क्लूजन निकला वो सबसे बड़ा कॉन्क्लूजन ये निकला वो डीएनए ही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल थी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो मटेरियल रिस्पांसिबल था वो डीएनए था ठीक है फिर एक तीसरा एक्सपेरिमेंट हुआ तीसरा एक्सपेरिमेंट था हरशे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट इसमें इन्होंने दो सस्पेक्ट लिए पहला प्रोटीन और दूसरा डीएनए ठीक है अब प्रोटीन और डीएनए इन दोनों के लिए उन्होंने क्या किया पहला बैक्टीरियो फेज दिया अब बैक्टीरियो फेज जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनाया वहाँ हमें मालूम है कि उसका आउटर शेल जो है आउटर शेल जो है वो आउटर कवरिंग वो बनी हुई है प्रोटीन की प्रोटीन कोट होता है और अंदर जो होता है वो जेनेटिक मटीरियल होता है उनके पास ठीक है अब उनने क्योंकि प्रोटीन में सल्फर्स प्रेजेंट होंगे ठीक है तो उनने रेडियो एक्टिव सल्फर्स का यूज़ किया प्रोटीन को लेबल करने के लिए सल्फर थर्टी फाइव ठीक है 35 फाइव को यूज़ करके इन्होंने बैक्टीरियो फेज को लेबल किया ठीक है अब बैक्टीरियो फेज रेप्लीकेट होने का उसका खुद का कोई सिस्टम तो नहीं है उसको जरूरत होती है होस्ट सेल की तो उनने होस्ट सेल में उनको क्या दिया बैक्टीरिया दिया क्योंकि बैक्टीरियो फेज को होस्ट सेल के लिए बैक्टीरिया की नीड होती है ठीक है अब वो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो फेज रेप्लीकेट कर गए ठीक है, है? रेप्लीकेट कर गए रेप्लीकेट करके सेल लेसिस हुए बैक्टीरियो फेज बाहर भी निकले ठीक है अब क्या हुआ कि उन जो सेल्स बाहर निकले जिस करके उनमें क्या है कोई रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं थी उन सेल्स में कोई भी रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं थी जैसे कि उनके पेरेंट बैक्टीरियो फेज में थी तो पेरेंट बैक्टीरियो फेज से रेडियो एक्टिविटी पास नहीं हुई नेक्स्ट बैक्टीरियो फेज के जनरेशन में ठीक है अब जब उन, आ, उनको ऐसा सेंटिव किया गया तो जो रेडियो एक्टिविटी पाई गई वो सुपर में पाई गई मतलब कि रेडियो uh, एक्टिविटी uh, जो है वो सुपरनेटेंट में ही है ठीक है सेल्स में नहीं गई है नेक्स्ट जनरेशन के सेल्स में नहीं गई है ठीक है ऐसे दूसरा एक्सपेरिमेंट था दूसरा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि डीएनए को लेवल करने के लिए उन्होंने फॉस्फोरस का यूज़ किया क्योंकि हम जाते हैं फॉस्फोरस को लेवल कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी लेवल कर सकते हैं तो थर्टी टू फॉस्फोरस को यूज़ किया थर्टी टू फॉस्फोर को लेकर उन्होंने बैक्टीरिया फेस के डीएनए को रेडियो लेवल कर दिया वापस से वही रेप्लिकेशन हुआ बैक्टीरियल uh, सेल के अंदर वायरल uh, का एप्लीकेशन हुआ वायरस का एप्लीकेशन हुआ जब नेक्स्ट जनरेशन के वायरल सेल्स निकले तो उनमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई ठीक है उनमें जब रेडियो एक्टिविटी पाई गई तो ये कन्फर्म हो गया कि जो जेनेटिक मटेरियल जो भी जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास ऑन होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है वो डीएनए ही है है ना तो ये तीन एक्सपेरिमेंट जो थे वो बहुत पायरिंग थे डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने में उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू